तो आई नो तुम लोग रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए ऑलरेडी एक्साइटेड ऑलरेडी हाई बैठे हो, लेकिन इसको लेकर एक अच्छी न्यूज़ आई है सामने, जो कि हमारे ट्रेडिशनल 30 मेंस और वुमेंस रॉयल रंबल मैचेस होंगे, तो ऑफकोर्स उसके बारे में बात करेंगे। सेथ रॉलिंस सीएम पंक को ताना मारना बंद नहीं कर रहे हैं, बिकॉज रिसेंटली लाइव इवेंट के अंदर उन्होंने सीएम पंक को बम कह दिया है। हाँ, वही वाला बम। साथ ही में बात करें हम लोग सीएम पंक के कल के मंडे नाइट रॉ के स्टेटस के बारे में भी करेंगे। कल के मंडे नाइट रॉ का पूरा प्रीव्यू भी तुम्हें इस वाली वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रॉयल रंबल अगला प्रीमियम लाइव इवेंट है, आई नो उसको होने में टाइम है, लेकिन अभी फिलहाल के जो अपडेट्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। साथ ही में मंडे नाइट रॉ का प्रीव्यू, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, बात करो अगर कल के रॉ के प्रीव्यू के साथ में, अगर तुम लोग ये रॉ के बाद वीडियो देख रहे हो, ऑफकोर्स ये वाला पार्ट तुम लोग स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर रॉ से पहले वीडियो देख रहे हो, तुम्हें रॉ में क्या क्या जानने के लिए मिलेगा, क्या क्या दिखने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो फाइनली हमारे सीएम पंक कल मंडे नाइट रॉ में डिसाइड करने वाले हैं उन्हें कौन सी ब्रांड के अंदर जाना है, उन्हें क्या मंडे नाइट रॉ में रहना है, उन्हें स्मैकडाउन में रहना है, या फिर जाना है उन्हें एनएक्सटी के अंदर। तो फाइनली ये जो मेजर डिसीजन है कल सीएम पंक शो के ऊपर हमारे लेते हुए नजर आएंगे, ये रॉ के प्रीव्यू का ही पार्ट है। प्लस हम लोग बात करें कोडी रोड्स एंड शिंसुके नाकामुरा के बारे में, तो शो के ऊपर इन दोनों का भी आमना सामना फाइनली होगा। नाकामुरा ने कहा भैया जिस बंदे को वो लगातार कॉल आउट कर रहे थे वो कोडी रोड से, तो फाइनली इन दोनों का क्लैश भी शो पर होगा। बेकी लिंच कॉल आउट करेंगे नाया जैक्स को, ये बात भी पूरे तरीके से यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली वे में अनाउंस कंफर्म जो भी कह लो कर डाली है। इन दोनों का फ्यूड ही अलग चल रहा है मंडे नाइट रॉ के अंदर, तो वही बस जो सिमिलर चीज है वो कंटिन्यू होने वाली है। मैगजाइन ड्यूप्री और रिया रिप्ली का भी एक नॉन टाइटल मैच के अंदर आमना सामना होगा। अब रिया रिप्ली यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन उनकी जरूर दिखेगी, बिकॉज हमारी डोमिनिक हार चुकी है चैंपियनशिप, तो क्या वो फ्रस्ट्रेशन मैगजाइन ड्यूप्री पे निकलेगी। साथ ही में तुम लोगों को बता दो कि जे उस हमारे मेन इवेंट वाले फेस करेंगे ड्रू मैकिंटायर के साथ में, एंड मोस्ट प्रोबेबली यही शो का मेन इवेंट होने वाला है। इन दोनों का क्लैश, इन दोनों का जो फ्यूड है वो लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई टीज कर रही थी कि भाई इन दोनों का कहते हैं ना पूरी गर्मा गर्मी बन रखी है, तो फाइनली इन दोनों का भी क्लैश एक बार फिर से होने वाला है मंडे नाइट रॉ के अंदर। प्लस एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये, कल ऐसा पहला रॉ का एडिशन होगा जहां जजमेंट डे के अंदर डोमिनिक के पास एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन टाइटल नहीं होगी। अपने टाइटल हारने के बाद हमारे एनएक्सटी डेडलाइन के बाद जो डोमिनिक है वो बहुत फ्रस्ट्रेट थे, वो कह रहे थे रिया रिप्ली कहां है, डोमिनिक कहां है, डोमिनिक कह रहा हूं सॉरी डेमियन प्रीस्ट कहां है, फिन बैलर कहां है, जेडी कहां है, तो फ्रस्ट्रेशन डोमिनिक के पास भी होगी। तो मुझे लग रहा है जजमेंट डे को लेकर काफी चीजें कल हो सकती है मंडे नाइट रॉ में। अभी ना डोमिनिक का आगे का जो सिनेरियो पता लगेगा कल रॉ के एडिशन के अंदर, जो कि श्योरली एंटरटेनिंग तो होगा, बिकॉज डोमिनिक हारे हैं लास्ट टाइम जब वो हारे थे उन्हें रिया रिप्ली से वार्निंग मिली थी, तो क्या इस बार हारने पर रिया रिप्ली उनकी कुटाई करेंगी या जजमेंट डे के ऊपर उल्टा डोमिनिक भड़केंगे, बस ये कुछ जानना होगा पूरे तरीके से कल के रॉ के एडिशन के अंदर। बात हम लोग सीएम पंक एंड सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में भी करते हैं, बिकॉज इन दोनों का जो फ्यूड है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही है, और एक बार फिर से लाइव इवेंट के अंदर सेथ रॉलिंस ने जानबूझ के पोक किया सीएम पंक को। अब देखो हुआ क्या, रिसेंटली लाइव इवेंट के अंदर मैंने बताया था कल वाली वीडियो में कि सेथ रॉलिंस ने पोक इस तरीके से किया था सीएम पंक को, कहते हुए कि भैया उस इंसान के ऊपर वो एक मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे, और उन्होंने अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन रिसेंटली लाइव इवेंट के अंदर जब सेथ रॉलिंस कंपीट करके एकदम मैच वैच खत्म करते हैं, तो ऑल सडन होता है कि सेथ रॉलिंस के सामने एक बार फिर से क्राउड सीएम पंक के चैंट्स करते हैं। ऑफकोर्स क्राउड पंगे ले रही थी सेथ से, लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं ठीक है भाई, अब मैं दुनिया भर का अपना जिंदगी का एक भी जो मिनट है ना उस बम के ऊपर जाया नहीं करूंगा, तो बम से रेफरेंस दे दिया है सीएम पंक का। अब कोई कमेंट सेक्शन में ये नहीं पूछेगा बम क्या होता है। तो उसके बाद सेथ रॉलिंस ये भी कहते हैं कि भैया उस बम से बात करने से अच्छा, या फिर उसके बारे में बात करने से अच्छा मैं तुम लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा, जो कि हर इंसान यहाँ पे आता है लाइव इवेंट्स अटेंड करता है, हम लोगों को मोटिवेशन देता है, एंड सारे एकदम क्राउड की बड़ी चढ़ी वाली बातें कहते हैं, पूरे क्राउड को डेडिकेशन के साथ में हमारे विजनरी कुछ इस तरीके से एंडिंग करते हैं शो की। तो ये फ्यूड टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिस तरीके से स्लो बिल्डअप हो रहा है लाइव इवेंट्स के अंदर हो रहा है, उसके बाद जाके प्रीमियम लाइव इवेंट्स में भी बिल्ड होगा, फिर मंडे नाइट रॉ में भी बिल्ड हमें इसका अच्छा खासा दिखाई देने वाला है। तुम लोग कितना एक्साइटेड हो सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस के फ्यूड के लिए, अपना तुम लोग ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, ये रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला शो होने वाला है, एंड आई नो तुम लोग एक्साइटेड हो 30 मेंस एंड वुमेंस रॉयल रंबल मैचेस के लिए। अभी फिलहाल अगर मैं कंफर्म अपीयरेंस की बात करूं, तो शो के ऊपर सिर्फ एक ही कंफर्म अपीयरेंस है, वो कोडी रोड्स की। अभी फिलहाल सिर्फ यही बात कंफर्म है कि जो हमारे अमेरिकन नाइट मेयर है वो शो के ऊपर अपीयर होने वाला है, और वो 30 मेंस रॉयल रंबल मैच का पार्ट बनेंगे। लेकिन एज पर जो रिपोर्ट आई है सामने रिसेंटली, स्पेकुलेशन मानी जा रही है कि बैक स्टेज के ऊपर जो अपना रॉयल रंबल का शो है ना, इसको लेकर मोराल बहुत हाई है कंपनी का, एंड तुम लोग बहुत सारे सरप्राइजेस एंड टर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो शो के ऊपर, बिकॉज ऑफकोर्स ट्रिपल एच एक बैंग ऑन शुरुआत करना चाहेंगे रॉयल रंबल शो की, या फिर अपने साल के पहले प्रीमियम लाइव इवेंट की। अब डे वन तो नहीं हो रहा ना, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई श्योरली इसी के साथ में जाएगी, और तुम कह सकते हो कुछ
अच्छा खासा बैंग ऑन एक्शन तुम्हें दिखाई दे सकता है रॉयल रंबल के प्रीमियम लाइव इवेंट में। हमें भी जो विनर होने वाला ना उसका भी एक अच्छा सेंस बनेगा। ऐसे नहीं होगा कोडी रोड्स एक बार फिर से दूसरी बार रंबल जीत जाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक सीएम पंक रॉयल रंबल के विनर होंगे, बाकी तो ऑफकोर्स अगले साल ही पता लगेगा। और हाँ, शायद तुम्हें कुछ क्रॉसओवर्स वगैरह की भी चीजें दिखाई देंगी, बिकॉज लास्ट टाइम मैगी जेम्स वगैरह भी आई थी, तो वैसा कुछ तुम्हें अगले साल रॉयल रंबल में भी दिखाई देने वाला है। ओवरऑल ट्रिपल एच की अच्छी खासी प्लानिंग है रॉयल रंबल शो के लिए, और मोरल उनका हाई है ऑलरेडी सीएम पंक के रिटर्न के बाद। तो बैंग ऑन शुरुआत के लिए, क्या तुम लोग रेडी हो? जब रॉयल रंबल के अंदर भरकर सरप्राइज एंड टर्न्स होने वाले हैं, अपना तुम लोग क्या एक्साइटमेंट अभी फिलहाल रॉयल रंबल की इनिशियल वे में बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूं आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।